आप अगर देखेंगे पहले के दंगे लीजिए, जब भाजपा के शासन के पहले के दंगे लीजिए, मैं दंगों का आंकड़ा बताता हूं केवल। आप भागलपुर का दंगा लीजिए, तब तो हिंदू कायर नहीं था और हिंदू ने वो काम किया कि जिसके कारण बिहार में दंगे ही बंद हो गए, बड़े दंगे अभी तो हो रहे हैं छोटे मोटे। उसके बाद बिहार में जो लाल कॉरिडोर बनना था, हिंदू इतना शौर्य में था, एक रणवीर सेना बनी, लाल कॉरिडोर ही खत्म कर दिया। ये भाजपा के प्रो भाजपा बता रहा हूं सारा व्यवस्था में। उसके बाद मेरठ और मलियाना लीजिए, मेरठ और मलियाना दंगा भूल गया, हिंदू इतना तेज में था कि मेरठ और मलियाना में वो दंगा को भूल गए पूरी तरह से। हिंदू इतने शौर्य में था कि नेल्लई असम में वो दंगे भूल गए। हिंदू इतना शौर्य में था कि जब तक भाजपा की शासन नहीं आई थी 69 के बाद, अहमदाबाद में वो दंगे करना भूल गए। हिंदू इतना शासन में था, इतना शौर्य में था, हिंदू इतना स्वर में था कि मेवात पूरा मलेच्छ बहुल इलाका होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद आज तक दंगा नहीं कर सका। ये इस दंगाई सरकार में पहली बार दंगा हुआ है। हिंदू इतना ज्यादा स्वर में था कि गुजरात में कांग्रेस भाजपा सारी पार्टियां मिल गई और 59 हिंदुओं को जो जलाया गया, 59 हिंदुओं को, उसका बदला लेने के लिए जब सड़क पर उतरी तो इसी सरकार ने, एंटी हिंदू सरकार ने, जो तोगड़िया का बयान है, 300 हिंदुओं के सीने में पीतल ठोक दिया, लोहा ठोक दिया, हिंदू के शौर्य को मारने का काम किया। हिंदू को 50,000 हिंदुओं को जेल में ठूसा। अभी अभी वर्तमान में दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, 53 दंगे में संख्या देख लीजिए आप। दो दिन जो शुरू के जो 1-1.5 दिन थे वो हिंदू जो है बुरी तरह से मार खा रहा था। अंकित शर्मा, वो आईबी अधिकारी, पुलिस वाले रतनलाल, सबकी हत्या हो रही थी। तो तब तक पुलिस हाथ बांध करके बैठी रही है सरकार जो अमित शाह जी के अधीन आती है पुलिस। उसके बाद जब हिंदू उठा है तो उसके बाद ये फिर चढ़ाई किए हैं। और हिंदुओं को आप देखेंगे, हिंदू जब उठा है तो उसके आंकड़े देखिए, 53 में कितने उनके मरने के आंकड़े हैं, वो आंकड़े आप देखिए। 53 में सिर्फ 13 हिंदू हैं, आप इस बात को समझिए। ये हिंदू का सॉरी, ये लोहे लेने वाली बात बता रहे हैं, जो पाकिस्तान की शायरी पर अपने घर पालते हो उनको ये आंकड़े देखने चाहिए। 53 में सिर्फ 13 हिंदू हैं। उसके बाद जब हिंदू खड़े हुए तो इनकी सरकार पहुंच गई और उन्होंने हिंदुओं को जेल में ठूसना शुरू किया। जब कोर्ट में केस चल रहे थे तो सफूरा जरगर को जमानत दिलवाई सरकार ने, उसके जमानत का विरोध नहीं किया, गर्भवती है करके। और उसके बाद उमर खालिद जितने भी हैं, ये सब पहला सजा दिल्ली दंगे में एक यादव बच्चे को मिली, हिंदू को मिली। नेगी के हत्यारे को जमानत दिलाई गई। ये हिंदुओं की शौर्य की बात करेंगे, हिंदू को तो जिहादी और सरकार दोनों से मिलकर लड़ना पड़ता है, इसलिए हिंदू, और इसके बावजूद हिंदू अपना शौर्य दिखाता है। लेकिन जो शाखा में लाठी भांजते रहे हों, जो जिंदगी भर दंगे के बाद राशन पहुंचाने पहुंचे हों, दंगे में इनके मरने का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आप देखिए दंगे के बाद पहुंचते हैं और पार्टी के कारण इनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वो सॉरी सिखाएंगे? वो पाकिस्तान में जाके मुशायरे करें ज्यादा ठीक है उनके लिए, वो क्या सॉरी सिखाएंगे हमें? उनके बच्चे कभी जिंदगी में सॉरी नहीं सीख सकते, वो क्या सिखाएंगे? पूरी जिंदगी अपने घर की महिलाओं को दूसरों को देते रहे, आरोप लगता रहा, ये क्या सॉरी सिखाएंगे? जो वर्ण संकर लोग हमें क्या सॉरी सिखाएंगे कभी, जिनके नाम में भी वर्ण संकरता है, वो क्या सॉरी सिखाएंगे? इसलिए ये जो आंकड़े हैं, आज मोनू मानेसर का आर लिया गया, मोनू मानेसर ने क्या, आज मोनू मानेसर पे आरोप है कि दो उसने गौ भक्षकों को मार दिया। आज उसको पकड़ने के लिए हरियाणा की पुलिस दौड़ रही है, राजस्थान की पुलिस दौड़ रही है, एक हिंदू को मारने के लिए दो पुलिस वाले दौड़ रहे हैं। और बाद में कहेंगे हिंदू में शौर्य नहीं था, वो 20-22 हजार अपने गौ रक्षकों के साथ गाय की सेवा कर रहा है, गौ रक्षा कर रहा है, जिनको प्रधानमंत्री गुंडे कह रहे हैं, सारे राज्य को कह रहे हैं डोजियर तैयार कराओ। तो हिंदू को डबल मार रहा है सरकार और जिहादी। इसलिए ये हिंदुओं की बात ना करे, इनके तो वर्ण संकरता आ गई है, इसलिए अपनी वर्ण संकरता नपुंसकता को छुपाने के लिए ये हिंदुओं पे मरते हैं, दोष देते हैं। मैं दंगों के आंकड़ों से कह रहा हूं कि दंगे के आंकड़े गवाह हैं। जब भी हिंदुओं को कभी भी 95% दंगा, गुजरात का एक आंकड़ा है, 95% दंगा मलच्छों की तरफ शुरू होते हैं और अंत हिंदू करता है। ये इनके शासन आने के बाद से हिंदुओं के हाथ बांध दिए गए। जब 13 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, ये नहीं थे, ये अच्छा था, ये नहीं थे, वहां अखिलेश की सरकार थी और जाट हिंदुओं ने जो काम किया
वो दंगा करना भूल गए हैं। वो आप राम जन्मभूमि में देखिए, हिंदुओं ने सॉरी करके ढा दिया उनको, ये पद्म विभूषण दिए घूम रहे हैं। ये हिंदू हैं ये।